एक बार दिखाना चाहूंगा, आइए जरा सुमित, बड़े अच्छे फैक्ट्स रखें, प्ले ऑन करें। अफगान फोर्स हार ही नहीं सकती थी, सुमित जो कह रहे हैं उनकी बात को एड ऑन कर रहा हूं, प्ले करें। हार ही नहीं सकती थी, क्यों नहीं हार सकती थी, असंभव था। अफगान सेना का शौर्य, तालिबान की ताकत, अफगान फोर्सेस की संख्या 3 लाख से 3.5 लाख थी, तालिबान 80,000 से 1 लाख। यही तो कॉन्फिडेंस दे रहा था जो बाइडेन को, यह आंकड़ा जो बाइडेन ने खुद बोला है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अफगान सेना के पास अमेरिका ब्रिटेन के दिए अत्याधुनिक हथियार थे, तालिबान के पास पुरानी राइफल, रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगान फौज के पास 160 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट लिखना भूल गए, मैं माफी चाहूंगा इसको। तालिबान के पास एक भी विमान या हेलीकॉप्टर नहीं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ी खबर है। अफगान फौज को 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग, तालिबान के पास $2.5 बिलियन से कम की फंडिंग थी। कैसे हार सकते थे ये बड़ा सवाल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, ध्रुव सर, आई एम बैक टू यू सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल लीडरशिप उसने कू किया है? देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, ये जो फॉल्ट लाइन जो है, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। और इन्होंने पहले से ही अपनी हार एक साइकोलॉजिकल डिफीट जिसको कहते हैं वो मान ली थी। सबसे बड़ा कारण तो यही है इस हार का। ये बिल्कुल सही बात कही आपके, जो मेरे पहले बोल रहे थे कि अफगान की सेना नहीं हारी, उनकी लीडरशिप ने हार, उनकी लीडरशिप हार चुकी थी। और सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट घानी हार चुका था। तो ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये मैं प्रेसिडेंट घानी के दरवाजे पर, जनरल गुरमीत सर, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं सर।